हेलो एवरीवन। तो देखिए, एफकेट का फॉर्म आया है, ठीक है। एफकेट जो कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, 2021 का इस पे फॉर्म आया है, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स दे देता हूँ, इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो एफकेट का फॉर्म भरना चाहते हैं या इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इस फॉर्म के बारे में, ठीक है। एफकेट, तो एफकेट बेसिकली है क्या, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री भी है और मेट्रोलॉजिकल भी एंट्री है। चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा ही बताता हूँ कि हमें बोला इसमें कि जो इसका कोर्स है वो कमेंस हो अगले साल जुलाई 2022 में। मतलब जो अभी एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू पास करेंगे, मेडिकल पास करेंगे, वो उनका एग्ज़ाम होगा, जो मतलब उनका जो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा वो जुलाई 2022 में हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखिए, इसमें दो टाइप के एंट्री होते हैं, सॉरी तीन टाइप के, ठीक है। एक है एफकेट एंट्री, एक है एनसीसी स्पेशल एंट्री, एक है मेट्रोलॉजिकल एंट्री, ठीक है। आप देखिए, एफकेट में भी तीन टाइप के हैं, एक है फ्लाइंग, ठीक है, एक है ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बेसिकली अंतर ये है कि टेक्निकल वालों को एक अलग पेपर, एग्ज़ाम का एक पेपर देना होता है जो EKT है, ठीक है, इंजीनियरिंग टेस्ट होता है एक। तो और फ्लाइंग जो है, ये फ्लाइंग जनरल सभी के लिए है। चलिए अब हम देखते हैं फ्लाइंग में कितना वैकेंसी है। तो इसमें SSC 96 वैकेंसी है। SSC का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब कि आपको 10 ईयर आपका जॉब होगा और उसके बाद 4 ईयर एक्सटेंशन होगा। मंथ्स मैक्सिमम आपका टेन्योर जो है 14 ईयर्स का होगा। और जो PC होता है, परमानेंट कमीशन, उसमें क्या होता है कि आपका जो अकॉर्डिंग आपका जो रैंक है, आप जहाँ तक गए हैं उसके अकॉर्डिंग, सुपरनुएशन के अकॉर्डिंग आपका जॉब उतना चलता है, ठीक है। आपको लास्ट, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है कि 10 से 14 साल में मिलेगा। और पेंशन का जो मिनिमम एज होता है वो 15, जो कि आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं मिलेगा। चलिए अब हमने देखा कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जो परमानेंट कमीशन का 20 वैकेंसी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन का 78 वैकेंसी है। और परमानेंट कमीशन का यहाँ पे 8 है आपका एम में। अच्छा, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें भी कुछ वैकेंसी है। अच्छा, एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या है कि एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट जिनके पास होता है ना, वो इसमें बिना पैसा पे किए एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या है, जनरल कैंडिडेट को इसमें पैसा पे करना होता है, वो कितना करना होता है वही मैं बताऊँगा। चलिए, मेट्रोलॉजिकल एंट्री भी है इसमें, जिसमें परमानेंट कमीशन का 6 सीट है और शॉर्ट सर्विस कमीशन का 22 सीट है। चलिए अब हमें यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया है कि जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, मतलब कि ये परमानेंट नहीं है, इसमें वैकेंसी में कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस लाया जा सकता है। चलिए अब हमें बोला है यहाँ पे, देखिए टाइप ऑफ कमीशन को ही इलाबोरेट किया है कि PC फॉर मैन और SSC फॉर मैन वुमेन, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो प्रेफरेंस दिया जाता है ना, वो वुमेन को ही दिया जाता है। वुमेन ज़्यादा उसमें भर्ती होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि वो मैन और वुमेन के लिए, लेकिन परमानेंट कमीशन सिर्फ मैन का है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जी। चलिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट कमीशन, तो मैं बोला ही कि टिल द एज ऑफ सुपरनुएशन एज पर देयर ब्रांच एंड रैंक, लेकिन SSC फॉर मैन एंड वुमेन क्या है कि इसमें भी ये 14 साल का होता है, ठीक है मैम, और इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है कोई भी टर्म पे। 14 ईयर्स के बाद आपका सर्विस एंड। चलिए अब हमें बोला एज, इसमें जो फ्लाइंग ब्रांच है उसमें कौन कौन भर सकता है फॉर्म। तो आप जो है, अगर आप 20 से 24 साल के हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 के बीच में है आपका बर्थ डेट, तो आप भर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमें बोला है कि फ्लाइंग ब्रांच में आपके पास एक ये होना चाहिए, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए, वो भी उसका डेट दिया हुआ है 2 जुलाई 1990। अच्छा, उसमें भी आपका जो, नहीं सॉरी, अगर आपके पास एक लाइसेंस है वो कमर्शियल पायलट का, तो आप इसमें 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगा 26 तक। चलिए अब ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जिसमें 20 से 26 साल तक है, ये हम लोग के लिए है जनरल। चलिए नेक्स्ट है कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन एफकेट साइट पे दिया है। अच्छा, ट्रेनिंग, इसका ट्रेनिंग जो है जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, मतलब फाइनली इसका एग्ज़ाम होने के बाद, मेडिकल इंटरव्यू मेडिकल होने के बाद इसका 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया है कि जो ट्रेनिंग होगा फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल है वो 74 वीक का होगा, 74 वीक्स का, एंड डेट ऑफ ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस इज फॉर 52 वीक्स, ठीक है, एट एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेबलाइजमेंट, ठीक है। अच्छा, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, SBI का एक या नेशनलाइज बैंक का एक आपके पास अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, आप फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आधार कार्ड हो आपके पास। चलिए अब इसके बाद दिया है कि IF क्या ऑफर करता है, इसमें हमारे फ्लाइंग ऑफिसर का सैलरी क्या है, 56,100 से, ये तो आपको अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बोला है कि इसमें अलाउंस जो है
वो दिया है, प्रिविलेज दिया है, तो ये सब तो है। आपको मेरे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्रैक करना है वो तो जो बात का वो मिलेगा ही। ठीक है, इंश्योरेंस कवर है, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, आप जानते हैं एयरफोर्स है तो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर होगा ही। ठीक है, मैं खुद ही एयरफोर्स का मुझे अच्छा लगता है। चलिए इम्पोर्टेंट अब कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि जो टैटू है, टैटू इसमें परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट, आइदर विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट। ओके, ये अलाउ ही नहीं है, चाहे आपके वो कहीं भी हो, विजिबल पार्ट पे हो या नॉन विजिबल पार्ट पे हो। ठीक है, बॉडी टैटू अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट क्या है कि द इनर फेस ऑफ फोरआर्म। ठीक है, इनर फेस ऑफ फोरआर्म वो होना चाहिए, मींस ये फोरआर्म है इसका इनर फेस, दैट इज़ फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रिस्ट ऑफ द बोथ हैंड्स। ओके ठीक है, अच्छा ट्राइब है तो उनका चलेगा। ठीक है, ट्राइब जो होते हैं उन लोगों का चलेगा। अच्छा नार्कोटिक्स तो स्ट्रिक्ट बैन है। अच्छा इसमें क्या होगा कि फॉर्म भरने के लिए आपको 250 रुपया करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा एफकेट्स की साइट पे, मैं इसमें वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। ठीक है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 25 साल, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। मतलब जब आपका कोर्स अगले साल जुलाई 2022 में स्टार्ट होगा तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, बात यही है। चलिए, कैंडिडेट इसमें बोला है कि आपके पास एक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, ताकि वो आपको एक ही फ़ोन या एक ही ईमेल पे कांटेक्ट कर सके। होता ना कभी कभी दो नंबर हो जाता है तो कभी एक स्विच ऑफ, तो वो आप कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप ये बात को ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है कि तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ये फॉर्म 1 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप सभी भरे, 1 जून से 30 जून तक चलेगा। ठीक है, इसमें ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा आपको, AC 3 टायर या AC 4 कलर का मिलेगा आपको ट्रैवल अलाउंस। फिजिकल कंडीशन क्या है कि आपको इसमें फिजिकली फिट होना है, हालांकि इसमें स्ट्रिक्ट कुछ नहीं दिया, लेकिन बोल दिया कि 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट्स में दौड़ लेना है, 10 पुशअप लगा लेना है और 3 चिन अप्स आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमें क्या दिया कि इसमें क्वेरी अगर आपको कुछ भी है तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन और नोटिफिकेशन में मैं नोटिफिकेशन का PDF भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर देखें। ठीक है, और एक टोल फ्री नंबर है वहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा डिस्क्लेमर दिया है यहाँ पर एक कि Information given in the advertisement and on the website are only guidelines. In case of any ambiguity, the existing policies, rules and regulation of IEF, मतलब वो लोग अपना आप साइड से साइड हो गए कि नोटिफिकेशन में अगर कुछ भी आप उसको पढ़ के कुछ समझ दें तो वो नहीं मैटर करेगा, जो उन लोगों का अपना रूल है वही होगा। ठीक है, आप समझ दें। चलिए, हमें इस बार अच्छा किया कि एक QR कोड भी दिया नीचे, आप डायरेक्ट उस पर फॉर्म उस QR कोड को स्कैन करके आप अप्लाई के पेज पे पहुंच सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हुआ, ये शॉर्ट में मैं नोटिफिकेशन बताया। अब मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है एफकेट का, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको कि जो ये एफकेट है एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक सेकेंड, चलिए एफकेट जो फ्लाइंग एंट्री है, एफकेट एंट्री में फ्लाइंग जो ब्रांच होगा उसमें आपको 10+2 में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। मतलब 12th क्लास में, मतलब हायर सेकेंडरी में आपको फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। बैचलर डिग्री जो कॉलेज है वो कोई भी डिग्री चलेगा, आप BA हो, BCom हो या BSc हो चलेगा। ठीक है, या आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है या BTech है। ठीक है, मतलब कि आप अगर ग्रेजुएशन है कोई भी इससे और 10+2 में साइंस था, मतलब फिजिक्स और मैथ था, तो ही आप एलिजिबल है, या BTech किए तो भी एलिजिबल है। चलिए, अच्छा ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में क्या है कि 10+2 में आपको फिजिक्स मैथ होना चाहिए जो 60% मार्क्स होना चाहिए। अच्छा, आपके पास एक 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो। ठीक है, अच्छा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि कैंडिडेट विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ईच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। मतलब 10+2 में आपको 60% चाहिए और एक 4 ईयर का इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री चाहिए। ठीक है, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पे क्या है। तो इसमें भी 2-3 है जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक है, अकाउंट्स है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री 60% से चाहिए कोई भी स्ट्रीम हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो नॉन टेक्निकल है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है कि हाइट आपको 157.5 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। अच्छा अकाउंट्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स, फिजिक्स फिजिकल एलिजिबिलिटी, हाइट कितना 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150,
2 सेंटीमीटर। अच्छा, एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या है इसमें कि एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप बिना पैसा का अप्लाई कर सकते हैं और आपको शायद वहाँ पे छूट भी मिले। चलिए अब मैं बता रहा था आपको इसका एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका एक एफकेट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, आप एनसीसी स्पेशल एंट्री हो, आप या मेट्रोलॉजिकल एंट्री से गए हो, ठीक है, सबका होगा। चलिए अब जो टेक्निकल है ना उसका, उनका क्या होता है कि ईकेटी होता है, ठीक है। ईकेटी का मतलब क्या है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उन लोगों का एग्ज़ाम होता है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं, ठीक है। ईकेटी का मतलब होता है कि ईकेटी का फुल फॉर्म अभी मैं देखा था यहीं पे स्क्रीन पे ही था, इंजीनियरिंग कुछ था, ठीक है, इंजीनियरिंग आप समझ जाइए। तो इसका सिलेबस क्या है, मैं ईकेटी का पहले बताता हूँ इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है। तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो यही इसी आपका जो कॉलेज का सिलेबस था उसी में से कुछ पूछा जाएगा। चलिए अब जनरल क्या सिलेबस है हम लोग एफकेट का, तो आपको जनरल अवेयरनेस आना चाहिए, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश मीन्स जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग मेन यही है, और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो रीजनिंग में ही एक दो करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको जीके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग मीन्स यही है जो एसएससी का सिलेबस है, ठीक है। और क्वेश्चन भी लगभग वैसे ही रहेंगे, और इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स और 2 घंटा मिलेंगे एग्जाम पे, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ कि 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए और जो वो टेक्निकल पेपर है ना ईकेटी, उसके लिए आपको 45 मिनट मिलता है जिसमें 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। चलिए अब क्या है कि अब एफकेट का अगर एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ पे, डुंडीगुल हैदराबाद, जहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी है। आप वहाँ पे अगर वो भी पास कर गए तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल करने के बाद एक वो फाइनल मेरिट निकालेंगे और मेरिट में अगर आपका नाम है तो आपका ज्वाइनिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो एफकेट का पूरा जानकारी यहीं पर था, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी समय कम है एफकेट का तैयारी के लिए और आपको एफकेट का मैथ्स का तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल में एक फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसमें आप, मैं उसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। वो एफकेट के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि एफकेट का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो एसएससी का सिलेबस है, इवन थोड़ा कम ही है बोल सकते हैं। तो मैं जो अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो यूट्यूब पे इसी चैनल पे हमारे, आप प्लेलिस्ट में देखें, एक फ्री 20 क्वेश्चन का सीरीज है जो डेली होता है, 2000 क्वेश्चन होंगे, आप वहीं से 80% क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में एफकेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अपना मैथ्स का। अच्छा, रीजनिंग का भी आप तैयारी आप देखिए, कहीं से आप प्रीवियस ईयर मॉक लगाए, क्योंकि रीजनिंग तो उतना हार्ड है नहीं, प्रीवियस ईयर मॉक से ही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जीके, जीके का बात है तो जीके आप जीके लूसेंट से पढ़िए, ठीक है, लूसेंट एक किताब है उससे पढ़िए। और एक बचा इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप या तो नीतू मैम के प्लिंथ टू पैरामाउंट फॉलो कर सकते हैं या एसपी बख्शी, ठीक है, मैं एसपी बख्शी करता हूँ, तो आप इस दोनों में से कोई भी बुक कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू तो आपका पर्सनैलिटी है, आपके ऊपर है वो पूरा चीज़, ठीक है। तो ये था पूरा एफकेट का एक ब्रीफ, में ब्रीफ नहीं, मैं तो अच्छे से ही बता दिया ब्रॉड से, ठीक है। अब वहाँ पे जाने के बाद आपका वो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जब आप एग्ज़ाम पास करते हो तो इंटरव्यू में है ना एक डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो ये सब वहाँ का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, इसके लिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ा कुछ जानकारी तो आप कमेंट करें और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, हमारा फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर ले आप, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।